पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन म गिर गृह माई, तुम्हारे बल हम दरपत नाही। पाई परो कर जोरी मनाओ, यह अवसर अब के ही गोहराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन धीर हनुमंता। अर्थात हे महावीर, आपका ये दास पूजा जप तप नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर, कहीं भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं, इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं? हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अंश वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा कहो या नकारात्मक विचार, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर बैठ गए तो समझो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। लेकिन जैसे हम सभी को पता है, ये दुनिया तो क्या, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे बजरंगबली के सामने टिक नहीं सकती। ये वीडियो देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, लाल देह ला ली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ये पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शंस है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मेरी उम्र 18 साल है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं आपके वीडियोस कई महीनों से देख रहा हूं। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बात जून 2021 की है, तब मैं हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैंने जुलाई महीने से भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति शुरू की। पता नहीं वो भगवान मेरे सपने में आकर किसी और भगवान को मार देते थे। बचपन से ही जिन पर मुझे लगाव और प्रेम था, चाहे वो मेरे परिवार वाले हो या फिर कोई मित्र, वो सब मुझसे निराश होकर मुझे छोड़कर चले जाते थे। और ये सपने जिनमें भगवान एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मार रहे हैं, इनसे मुझे ऐसा लगता था कि क्या भगवान भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं हर दिन रोता था और बिना किसी आशा के बेड पे सोया रहता, जैसे मानो कि सारे नकारात्मक विचार मेरे सर पर बैठ गए हो और मुझे मारने के लिए उत्सुक हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर किसी ने घोर काला जादू कर दिया हो। पर हालात तब बदलने लगे जब मैं मोबाइल में यूट्यूब खोलता, तब मेरे यूट्यूब फीड में हनुमान चालीसा डिस्प्ले होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हनुमान जी मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था, क्योंकि जब भी मैं हनुमान जी की तस्वीर को देखता था, मैं डर के कारण कांपने लगता था, मानो कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से कांप रही हो। पर तभी भी हर बार मुझे कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का वर्णन मिलता ही था। फिर एक दिन मैंने किसी तरह हिम्मत करके हनुमान चालीसा को सुनना शुरू किया। सच कहूं जयेश भाई, मेरे शरीर में कांटे ही कांटे चुभने लगे। मुझे मेरी सारी गलतियों का अनुभव हुआ। मैं रोने लगा और ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से निकल रही है। ये सब होने के बाद मैं थोड़ा ठीक होने लगा और जो बुरे सपने आते थे वो भी बंद हो गए। हनुमान जी पर धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मुझे अब भी हनुमान जी की तस्वीर को देख कर डर लगता था और मुझे अपनी की हुई गलतियों पर शर्म आती थी। थोड़े दिन बाद मैंने काल भैरव अष्टकम का पाठ करना शुरू किया और जयेश भाई, एक ही पाठ करने के बाद स्वयं काल भैरव जी ने मेरे सपने में आकर एक राक्षस को डराया और वो राक्षस रोने लगा। पर अब भी हनुमान जी की तस्वीर को देखकर मैं डरता था और मन में हमेशा भय रहता कि क्या हनुमान जी भी मुझे सब की तरह छोड़कर चले जाएंगे, क्या मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। जयेश भाई, तब मैं हनुमान जी से डरता भी था और मदद भी मांग रहा था। सो मैंने ये तय किया कि रात में मैं हमारे घर वाले मंदिर में जाकर मंदिर की सारी लाइट्स बंद करके हनुमान चालीसा और काल भैरव अष्टकम का पाठ करूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पाठ करते समय डर के मारे रोता था। मेरे अंदर ये डर था कि क्या हनुमान जी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं इस डर से थक चुका था। मैं जीना नहीं चाहता था, मैं अपनी जान देना चाहता था, क्योंकि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था।
मैं मरने भी गया पर पता नहीं कोई चीज मुझे मरने से रोक रही थी। तब उस दिन मैं बहुत रोया और परेशानी और दुख में हनुमान जी के सामने हिम्मत जुटाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो बड़े से बड़े संकट को दूर करते हो और दुष्टों का नाश करते हो, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं, तो मेरे अंदर की नकारात्मकता का अंत क्यों नहीं करते? क्या मैं इतना अपवित्र हूँ कि आप मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो या फिर मुझे मार दो, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। जयेश भाई, उसी दिन मुझे एक सपना आया कि मेरे ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियों का वार हुआ है, पर मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और वो मधुमक्खियाँ मुझे देखकर ही डर कर चली गई। बस उस रात के बाद मेरे अंदर जो नकारात्मकता थी वो बहुत तेजी से निकलनी शुरू हो गई। मैं श्री राम रक्षा का पाठ भी करता था और मुझे बहुत बार श्री राम और हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास भी हुआ है। आप मानोगे नहीं, ये नकारात्मकता बाहर निकालने के लिए हनुमान जी रोज के रोज मुझे सपने में आकर दर्शन देते हैं और आज भी उनके दर्शन मुझे सपने में होते हैं। और अब मुझे किसी के खोने का डर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ है और साथ रहेंगे। बस आखिर में सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी संकट नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में जो हनुमान जी दूर नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, कौन ही जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और हर नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी से डरती है, जैसे कि मेरे अंदर थी जो हनुमान जी की सिर्फ तस्वीर देखते ही कांप उठती थी। और अब मेरे प्रभु की कृपा देखो कि अब मैं जब भी हनुमान जी की तस्वीर को देखता हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि उसे देखकर मुझे प्रेम, विश्वास और भक्ति भाव का एहसास होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने कहा था ना, जो कोई भी हनुमान जी की शरण में जाता है उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकती। अगर उस नकारात्मक ऊर्जा से भक्त का मन अगर भटक भी जाता है तो प्रभु उसे सही मार्ग पर लाते ही हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, असुर निकंदन राम दुलारे, इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शंस थे, राम रसायन तुम्हारे पासा, साधु संत के तुम रखवारे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, या फिर संकट कटे मिटे सब पीरा। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है साधु संत के तुम रखवारे। ये पूरी पंक्ति है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से तीन लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अर्गदीप साह, शानू समरिया और संकश तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।